नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मां के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर छिन्न हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे।